बुरहानपुर शहर के कई वार्डों में डायरिया फैल चुका है और दिनों दिन बेकाबू होता जा रहा है। अब तक डायरिया से 4 मौत हो चुकी है, वहीं 250 से ज्यादा मरीजों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इसमें करीब 40 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। मामलों में सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप मोसेस का कहना है कि जल वितरण की व्यवस्था में सुधार होने पर ही यह महामारी नियंत्रित की जा सकती है, नहीं तो स्थिति बिगड़ती ही जाएगी। हालांकि नगर निगम ने पहले पीएचई विभाग के द्वारा शहर के नागझिरी, बैरी मैदान, खैराती बाजार के पानी का सैंपल भेजकर जांच करवाया, जो कि पूरी तरह दूषित निकला, जिसके बाद निगम प्रशासन पानी के लीकेज सहित अन्य व्यवस्थाएं सुधरवा रहे हैं। देखिए, अभी स्थिति अभी कंट्रोल में तो नहीं आई है, अभी भी लगातार पेशेंट आए जा रहे हैं और कुछ कुछ पेशेंट बहुत सीरियस कंडीशन में भी आ रहे हैं। और ऐसे ही कल भी यही हुआ है कि 2 केसेस बहुत सीरियस कंडीशन में आए, पूरा ट्रीटमेंट देने के बाद भी उनको हम बचा नहीं पाए और उनकी मौत हो गई। अल्टीमेटली ये है कि जब तक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होगा, तब तक ये केसेस तो अस्पताल में बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए सबसे मेन इशू ये है कि जो वाटर सप्लाई है वो प्रॉपर हो और लोगों को अवेयरनेस सिखाई जाए, उबला हुआ पानी पिए, यही करना पड़ेगा, नहीं तो एकदम से स्थिति तो कंट्रोल में नहीं आ रही है। बुरहानपुर से रफीक अंसारी की रिपोर्ट।